नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना भोंडेकर, भोंडेकर स्टेशन में आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट किया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज हम जो मंचूरियन बॉल्स बनाने वाले हैं वो परफेक्ट शेप में बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, जिसके लिए मैं खास टिप्स देने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने ये जो कैबेज है इसे कद्दूकस करके लिया है, उसमें नमक डाल दिया और इसे मिक्स कर लिया अच्छे से, और इसे हमें 15-20 मिनट के लिए ऐसे एज इट इज़ रख देना है ढककर। तो इसे ढक दे और इसे रख दे, बहुत बढ़िया। अब 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे तो गोभी जो है वो पानी छोड़ने लगेगी, तो इसमें पानी बहुत सारा है तो इसे हम क्या करेंगे, निचोड़ लेंगे और इस पानी को एक बाउल में कलेक्ट कर लेंगे। बढ़िया, इस तरह से कलेक्ट कर ले और ये जो बॉल्स है निचोड़े हुए कैबेज के उसे भी अलग रख देंगे। बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, इसे फेंके नहीं, सब्जी में डाल दे। ये देखिए किस तरह से अभी पानी निकलने की वजह से गोभी कितने खुली खुली सी हो गई है, बहुत बढ़िया। अब हम इसे बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं, क्योंकि वो बॉल छोटा था जिसमें कि मेरे सभी इंग्रेडिएंट्स नहीं आए रहते। अब क्या करना है, एक कप मैंने इसमें चॉप्ड अनियन लिया है, अनियन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इसमें दो बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, दो बड़े चम्मच मैदा डाला है, एक चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसे सोया सॉस जरूर डालें, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे अच्छे से हाथ से मिला लें, बहुत बढ़िया। और ये देखिए हम अभी 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है और अच्छे से मिला लें, वो बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, उसे ज़रूर डालें। और ये देखिए हम अभी बॉल्स बना के देखते हैं तो परफेक्ट शेप में हमारे बॉल्स बन रहे हैं। अगर आपके बॉल्स ना बने तो उसमें थोड़ा सा मैदा और डाल दें। और अब हम इसे तल लेंगे, तो मीडियम आंच पे मैंने ये तेल गरम कर लिया, उसमें हम अपने बॉल्स बना लेंगे। अगर आपसे ना हो कंटिन्यूशन में तो आप अलग से पहले बॉल बना के रख दे और फिर डाले, एक साथ डाले। फिर इन्हें लाइट ब्राउन होते तक हमें तल लेना है और बहुत ही बढ़िया हिलाते रहना है, जिसके कारण कि एक जैसा हमें इसका कलर आएगा। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे मंचूरियन बॉल्स अभी रेडी हो गए, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, एक पेपर टॉवल पे निकाल के रख दें ताकि उसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। और अब मैं उसका सेकेंड बैच जो है उसे भी रेडी कर लेती हूँ, उसे भी हमें पहले जैसे ही बॉल्स बना के इसमें ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो हम अब इसे निकाल लेंगे और एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना परफेक्ट हमारा बॉल बना है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और हमें और भी एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस चाहिए तो और भी गरम तेल में फिर से वो ठंडे होने के बाद में बॉल्स ठंडे होने के बाद उसे गरम तेल में हमें इसे डालना है, देखिए इस तरह से। और फिर बस 2 मिनट के बाद में हमें फिर से निकाल लेंगे और इसे फिर हम सॉस बना के उसमें सॉस में डाल देंगे। अब सॉस बनाने के लिए मैंने पैन में 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून के करीब करीब मैंने उसमें जो गार्लिक है चॉप करके लिया है, और इसे थोड़ा सा चला लेना है, भून लेना है ब्राउन होते तक। उसमें फिर 1 इंच के करीब मैंने कद्दूकस किया हुआ जिंजर डाला और 2 हरी मिर्च डाल दिया है मैंने चॉप करके, और इसे भी थोड़ा कलर चेंज होते तक हमें इसे हिलाना है, बहुत ही बढ़िया। गार्लिक ज़्यादा हो तो ही चटपटा सा टेस्ट आता है और हरी मिर्च डाले तो चटपटा सा टेस्ट तो आना ही है। फिर इसमें हम कैप्सिकम डाल देंगे और इसे भी हमें थोड़ा सा अच्छे से हिला लेना है, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट तक हमें बस चलाना है इसे, बढ़िया इस तरह से चला ले। अब हमें क्या करना है कि सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ग्रीन अनियन, वो हमें एक मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाल दिया है, जो कि बहुत ही एक्जॉटिक टेस्ट आता है इससे। और फिर 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून डाला है, उसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही बढ़िया। अब हमारे सॉसेस तो चले गए, अब नमक डालना है, जिससे कि थोड़ा सा कम नमक डालें क्योंकि इससे पहले भी हमारे नमक इसमें डला हुआ है उसमें मंचूरियंस में। अब हमें इसमें टोमेटो सॉस डालना है, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो सॉस लिया है जिससे कि टेस्ट बैलेंस होता है, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें विनेगर, वाइट विनेगर, और इसे अच्छे से मिला लें,
विनेगर भी डालें क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और जो चाइनीज़ डिश है वो तो विनेगर के बगैर तो अधूरी रहती है, तो इसे डाल दे। फिर मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया कॉर्नफ्लावर, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दे 2 चम्मच के करीब करीब, और इसे मिक्स कर ले, और ये जो पेस्ट है उसे डाल दे इसमें सॉस में, और ये हमारा बहुत ही अच्छा सॉस बन जाएगा। थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है अगर ये, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे। मुझे भी गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, ये तो भी मैंने 3 टेबल स्पून के पास पास इसमें पानी डाला है, और इसे मिला ले, अच्छे से मिक्स कर ले, और इसे 1 मिनट तक हमें चला लेना है, जिससे कि देखिए हमारे सॉस का कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत ही बढ़िया। अब मैं गैस बंद कर लूँगी क्योंकि हमारा सॉस रेडी हो गया है, तो फिर हम इसमें मंचूरियन बॉल्स डाल देंगे। इसमें गैस बंद कर दे कि नहीं तो ये और जो है मंचूरियन बॉल्स उसे वो ढीले कर देगा, तो इसे गैस बंद करके करना है, मिला देना है, और ये हमारे मंचूरियन रेडी हो गए हैं। स्प्रिंग अनियन स्प्रे डाल दे और फिर इसे सर्व करें। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।